सलमान खान करेंगे अपना प्रॉमिस पूरा, बोला है राधे ईद पर आएगी तो राधे ईद पर ही आएगी। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, लीसा गंगवानी। जिस तरीके से कोविड की सेकेंड वेव जो है डेडली प्रूव हो रही है हमारे देश के अंदर, उसके बाद कई सारी मूवीज ने अपनी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है, थिएट्रिकल रिलीजेस रुक गई हैं, लेकिन राधे मूवी यानी कि सलमान खान की मूवी ने किया था प्रॉमिस कि वो 13 मई को अपनी मूवी को लेकर जरूर आएंगे थिएटर्स में। और ऐसे में ईद के मौके को खाली नहीं जाने देने वाले हैं सलमान खान, 13 मई को ही राधे रिलीज होगी। इससे पहले खबरें आ रही थी कि राधे की रिलीज को पोस्टपोन किया जाएगा, अभी इस वक्त रिलीज नहीं किया जाएगा। और सलमान जो है डिजिटल रिलीज भी नहीं चाहते थे अपनी मूवी के लिए, तो उन्होंने राधे को पोस्टपोन करने का फैसला किया था। लेकिन अब लग रहा है जैसे सलमान खान ने जो प्रॉमिस किया है वो निभाएंगे, यानी कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी फिर तो वो अपनी भी सुनने को तैयार नहीं है। और राधे रिलीज होगी 13 मई यानी कि ईद के मौके पर। आपको बता दें कि मूवी राधे जो है उसका ट्रेलर कल ही रिलीज होने वाला है, यानी कि कल आपको मूवी की एक ग्लिम्स देखने को मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि मूवी में किस तरीके का अवतार होने वाला है सलमान खान का। प्लस सलमान खान फैंस जो है खुद एक आर्मी से कम नहीं है, ऐसे में राधे को हिट करवाने के लिए वो लोग तो जरूर थिएटर तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि सलमान खान फैंस अगर थिएटर्स तक पहुंचते हैं तो क्या सलमान उनकी लाइफ को रिस्क पर डालकर मूवी चलाने को है तैयार, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव तो कहीं भी नहीं रुक रही है। थिएटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग के बाद भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या सलमान खान लेंगे जिम्मेदारी? आपको क्या लगता है, इस समय मूवी रिलीज करने का फैसला सही है या गलत? जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरह लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।